संध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सतना के रामनगर थाना क्षेत्र में एक बच्ची की गुमशुदगी के बीच जंगल में कुछ हड्डियां मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल कंकाल किसी बच्चे का होने की आशंका के बीच पुलिस ने उसे मेडिकल परीक्षण के लिए रीवा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। संदेह जताया जा रहा है कि लापता बच्ची को किसी जंगली जानवर ने अपना शिकार बनाया होगा। जानकारी के मुताबिक रामनगर थाना की मर्यादपुर चौकी अंतर्गत सोनवर्षा गांव से लगे जंगल में सोमवार को हड्डियां पड़ी मिलने से हड़कंप मच गया। जिस क्षेत्र में हड्डियां मिली, बता दें जिस क्षेत्र में ये हड्डियां मिली हैं वह क्षेत्र लकड़बग्घों का माना जाता है। ये हड्डियां उस वक्त पड़ी मिली हैं जब पुलिस और ग्रामीण रमेश केवट की 11 वर्षीय पुत्री आरती केवट की तलाश में परेशान थे। आरती रविवार को लापता हो गई थी। उसके माता पिता जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे। उसी समय उनकी बेटी भी घर से गायब हो गई। वह मूक बधिर भी थी। कंकाल मिलने के बाद आशंका जताई जाने लगी कि जंगल में पड़ी मिली हड्डियाँ उसी लापता बालिका की हो सकती हैं। उसे किसी जंगली जानवर ने अपना शिकार बना लिया। मूक बधिर होने के कारण वह अपने बचाव के लिए आवाज़ भी नहीं लगा पाई होगी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कंकाल किसी मानव का है या नहीं, लेकिन उधर लापता बच्चे का भी पता नहीं चल सका है, लिहाजा उसके लकड़बग्घों का निवाला बनने की आशंका बढ़ गई है। पुलिस ने हड्डियों को जांच के लिए रीवा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि अगर रीवा में हुई जांच से भी नतीजा कुछ ना निकला तो हड्डियों को मेडिको लीगल संस्थान भेजा जाएगा। सेंट्रल एकेडमी प्राइमरी स्कूल दीनदयाल धाम कॉलोनी पड़रा इनवाइट्स एडमिशन फॉर सेशन 2022-23 फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 7th। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्री रजिस्ट्रेशन फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 1st एंड कैशबैक ऑफ रुपीज 2500 फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन क्लास 2nd टू 7th। ब्रॉट टू यू बाय लिटिल हैंड्स। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट आवर ऑफिस during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get results.